इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता की एक स्मॉल ब्रॉन्ज डांसिंग गढ़। ये स्कल्पचर देश के सबसे पुरानी मूर्ति है। इसके बाद से करोड़ों मूर्तियां अलग अलग शेप एंड साइज में बनी होंगी, पर इन सभी में से अपने देश में पूरी दुनिया की तुलना में 3 ऐसे प्रोजेक्ट पर गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है जिसे सिर्फ इमेजिन करके दुनिया भर के स्कल्पचर्स के पसीने छूट रहे हैं। पहला, भगवान श्री राम जी की एग्जैक्ट 108 फीट ऊंची मूर्ति आंध्र प्रदेश के कुरनूल में बनाया जा रहा है, ताकि हमारे कल्चर और प्रभु श्री राम के संदेश सालों तक पूरी दुनिया में फैलती रहे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, कभी इस जगह पर तुंगभद्र नदी के किनारे महान विजयनगरम साम्राज्य स्थित था, जिसने पूरे साउथ इंडिया से विदेशी आक्रांताओं को भगाकर स्वदेश और स्वधर्म की कल्चर इस्टेब्लिश की गई थी। पर कालीकोट के खतरनाक युद्ध को जीतने पर मुस्लिमों ने राजधानी विजयनगर को लूट लिया था, इसलिए फिर से सनातन धर्म को और भी मजबूत करने के लिए ठीक उसी जगह पर भव्य श्री राम जी की मूर्ति बनाई जा रही है। नो ऑफेंस, मेरे भी कई सारे मुसलमान अच्छे दोस्त हैं और मैं कोई हेट नहीं फैला रहा, ये तुम्हारे पूर्वजों के काम थे इसलिए मुझे बताना पड़ा। पिछले महीने जुलाई 2023 में अमित शाह के द्वारा फाउंडेशन स्टोन एस्टेब्लिश कर दी गई है, अनुमान है 2025 तक देखने को मिलेगा। अब दूसरा, जो कि मुंबई में राजभवन से 1.5 किलोमीटर अरेबियन सी में एक मैनमेड आइलैंड पर बनने वाला है। इसकी शुरुआत करने के लिए दिसंबर 2016 में फाउंडेशन स्टोन के तौर पर मोदी जी अलग अलग नदियों का पानी और शिवाजी फोर्ट यानी शिवाजी महाराज के जो किले हैं उसकी मिट्टी डालकर सेरेमनी को कंप्लीट करे थे। फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर शिवाजी महाराज के जितने बड़े लोगों में इंस्पिरेशन है, उसकी तुलना में उनके याद में एक छोटी सी कोशिश करी गई है। और ये प्लान उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े स्टैचू अटल बिहारी जी के स्टैचू ऑफ यूनिटी से 20 मीटर ज्यादा यानी 212 मीटर ऊंची बननी है। अभी तक काफी दिन हो चुके हैं पर अभी तक कुछ काम आगे नहीं बढ़ा है। रीजन वही है, इकोनॉमिकली अगर देखें तो मुंबई एक ऐसा जगह बनता जा रहा है जहां लोग 80% लोग सिर्फ अपने काम से आते हैं। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आंकड़े अदर स्टेट के तुलना में काफी कम है, इसलिए ये एक अच्छी कोशिश होगी। हाँ, बनने का लागत थोड़ा ज्यादा है, लगभग 3,500 करोड़, क्योंकि वहाँ सिर्फ स्टैचू ही नहीं बनने वाला, एक सेंट्रल बिल्डिंग, एक मेमोरियल गार्डन, लाइब्रेरी, पूरे 10,000 लोगों के लिए कन्वेंशन सेंटर, हमारे शिवाजी महाराज की म्यूजियम, एग्जीबिशन गैलरी, एम्पी थिएटर, हॉस्पिटल इत्यादि बनने वाले हैं। अभी तक कोई तरक्की ना होने की रीजन वही है, सारा प्लान तो किया ही हुआ है, अब पोजीशन पार्टी के चोचले हैं कि मरीन लाइफ खराब हो जाएगी, कई सारे फिशरमैन के रोजगार खत्म हो जाएंगे। तो उनके जवाब में मैं कहना चाहूंगा, मछली मारने वाले भी कोई मरीन लाइफ को सेव नहीं कर रहे। और कहते हैं इतना सारा पैसा अगर स्कूल हॉस्पिटल में लगा दिया जाए तो लोगों का कितना भला होगा। उसके भी जवाब में अगर कहूँ, तुम कितनी भी रिसोर्सेस इसमें डाल दो, एक दिन सब कम पड़ने वाला है। ये एक अच्छी कोशिश होती, पर यही तो कमी है डेमोक्रेसी की, करने वाले 10 आएंगे, अपोज करने वाले 10 लाख आएंगे। खैर, अब अगर तीसरे की बात करें तो वो है श्री राम जी की मूर्ति बनने की, जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाद दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू होगी। इसकी अनाउंसमेंट योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में कर दी थी और नवंबर 2018 में इसकी पूरी डिजाइन हो चुकी है और एग्जीक्यूशन में मार्च 2019 में जमीन और 200 करोड़ एलोकेट कर दिए गए हैं। इसी के साथ गुजरात गवर्नमेंट और IIT कानपुर से टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट मांगी गई है, साथ में म्यूजियम, लाइब्रेरी, फूड कोर्ट और भी अदर फैसिलिटीज के लिए 447 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। हाल ही में मूर्ति बनने की जगह चेंज हुई थी, अब जो कि मांझा बरहटा गांव में गंगा किनारे है, जहां रामायण काल के वक्त एक नाव चलाने वाला श्री राम और माता सीता जी को नदी पार करने में मदद करी थी। ये मूर्ति पूरी होने के बाद बहुत ही जबरदस्त लगने वाली है, आखिर 291 मीटर जो ऊंची होगी, मतलब शुरू हो चुकी है। मूर्ति बनने के लिए नेपाल से सालिग्राम पत्थर लाए गए हैं, जो कि बहुत रेयर है। अभी तो उससे राम मंदिर के लिए बहुत से अलग अलग मूर्तियां, स्टैचूज, स्कल्पचर्स बनाए जा रहे हैं, जल्दी उस बड़े स्टैचू के लिए भी काम शुरू हो जाएगा। ये एक बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है, इसकी मदद से सनातन धर्म का प्रचार दुनिया भर में होगा।
दुनिया भर के लोगों तक हमारा संदेश पहुंचेगा, हमारे धर्म का संदेश पहुंचेगा जो सालों से मिटाया जा रहा था। अब और नहीं, अभी तो बहुत कुछ होना है। शुरुआत हो चुकी है राम मंदिर से। एक डेट बता रहा हूँ, याद कर लेना इसको, 12 सितंबर 2023 मंगलवार का दिन सुबह 6 बजे राम मंदिर से जुड़े बहुत सी अनसुनी छिपाई गई चीजें बताने वाला हूँ। मिलते हैं उसी वीडियो में। जय श्री राम।